थिस्लुनिकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री दूसरा अध्याय। हे भाइयों, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहां था तो तुमसे ये बातें कहा करता था, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें, और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं सब दंड पाएं। पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, और जो बातें तुमने क्या वचन क्या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करें।